Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to start our chapter 5th, स्थानीय सरकार या पंचायती राज व्यवस्था. देखिए हमारे देश में तीन तरह की सरकारें काम करती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार. केंद्र सरकार जो काम करती है वो केंद्र में होती है, केंद्र से संबंधित मुद्दों को सुलझाती है, उनसे संबंधित जो भी सूचियां हैं उनके विवादों का निपटारा करना, उनसे संबंधित कानूनों को बनाती है. राज्य सरकारें राज्य लेवल पर काम करती है, राज्य की समस्याओं को सुलझाना, राज्य से संबंधित नियमों को बनाना या राज्य में जितनी भी उसकी व्यवस्था शांति की स्थापना करना, सब काम राज्य सरकार करती है. एक तीसरे स्तर की जो सबसे छोटी स्थानीय लेवल की सरकार है जिसका निर्माण 1992 के बाद किया, ये स्थानीय सरकार होती है जो तीसरे स्तर पहले, आज से पहले भारत में भी दो प्रकार की सरकारें थी, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें, और तकरीबन सभी देशों में होती है. लेकिन तीसरी सरकार का और गठन किया गया है ताकि जो स्थानीय मुद्दे हैं, एक जगह के जो मुद्दे हैं उनको आराम से सुलझाया जा सके. देखिए कैसे स्थानीय सरकार हर एक गांव में होती है, हर एक गांव में एक पंचायत के रूप में काम करती है या फिर ये एक ग्राम सभा के रूप में काम करती है. ये वहाँ की जो मुश्किल मुद्दे होते हैं, मेन समस्याएं होती हैं, उनको सुलझाती है. सबसे छोटी इकाई मानी गई है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरे नंबर की स्थानीय सरकार. इसके गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देखो केंद्र से जो भी कोई मंत्री आता है थोड़ी देर के लिए आएगा, भाषण देकर चला जाएगा, उसको वहाँ की जो समस्याएं उनके बारे में नहीं पता. ऐसे ही राज्य सरकार से होता है, वहाँ की उस गांव की, उस शहर की, उस नगर की जो भी समस्याएं होती हैं, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ जरूरत है, इस चीज को केवल वो लोग जान सकते हैं जो वहाँ के रहने वाले निवासी हैं. तो इसके लिए एक स्थानीय सरकार का गठन किया गया ताकि स्थानीय मुद्दों को आराम से सुलझाया जा सके. और इसके अलग अलग निकाय बने हैं. गांव में इसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है. जो गांव में पंचायतें हैं ना वो सब स्थानीय सरकारें हैं. और त्रिपदीय व्यवस्था यानी तीन स्तर पर ये काम करती है. गांव में इसको ग्राम पंचायत, गांव में कोई झगड़ा हो जाए, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो आप देखते हो ना कौन सरपंच और पांच पंच होते हैं, वो इसका निपटारा करते हैं. उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, उससे थोड़ी सी बड़ी गई पंचायत समिति. त्रिपदीय व्यवस्था बताई मैंने, एक पद हो गया ग्राम स्तर, उस पर ग्राम पंचायत है. ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति काम करती है, जिला स्तर पर जिला परिषद. सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद. आपको इतना ध्यान रखना है कि ग्रामीण समस्याओं को सुलझाने के लिए, मेन किसी नगर की, किसी गांव की समस्या को सुलझाने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है, जो संस्था बनाई जाती है, उसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है. और उसी पंचायती व्यवस्था को स्थानीय सरकार के नाम से जाना जाता है. ये स्थानीय सरकार अलग अलग रूपों में काम करती है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के रूप में, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के रूप में, जिला स्तर पर जिला परिषद के रूप में. गांव में जो भी समस्याएं हों, कोई गांव से संबंधित खर्च करना हो, कहीं रोड बनाना है, कहीं अस्पताल का निर्माण करवाना है, कहीं स्कूल के निर्माण करवाना है, तो वहाँ ग्राम पंचायतें बताती है, सरकार बजट भेजती है और वहाँ पर पैसा लगवाती है. इसी तरह से पंचायत समितियाँ ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर कौन काम करता है? जिला स्तर पर जिला परिषद. जिले में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस कौन कौन सी समस्याएं हैं, कैसे शांति की व्यवस्था करनी है, कैसे वहाँ पर एक सिस्टम बनाना है,
ये इन तीनों के अंतर्गत किया गया है। और त्रिपदी व्यवस्था इसलिए कहा गया है कि तीन भाग में निगम है। समझ आ गया बच्चों? इसके बाद हम चलते हैं कि स्थानीय सरकार का महत्व क्या है, क्यों बनाई जाती है। तो देखिए, ये लोगों को एक प्लेटफॉर्म, कैसा प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर आपको लिखना पढ़ना आता है, आप सांस्कृतिक एक्टिविटीज है जैसे डांस सिंगिंग या किसी और एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, भाषण देते हैं, तो अपने स्कूल से ही तो सीखते हैं ना, फिर किसी बड़ी जगह पे स्टेट लेवल पे जिला लेवल पे जाते हैं। तो उसी तरह से जब चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, ये लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। सबसे पहले वो अपने गाँव में सीखते हैं, गाँव में ग्राम पंचायत होगी उसका चुनाव करवाते हैं, खड़े होते हैं, ग्राम सभाएं होती हैं, तो उनको धीरे धीरे राजनीति के बारे में पता चलता है कि कैसे लोग राजनीति से जुड़ते हैं, किस तरह से इलेक्शन होते हैं, कितने साल के लिए होते हैं, कैसे पढ़ने के लिए है, कैसे किसी उम्मीदवार का चयन होता है, इसका प्लेटफॉर्म उन्हें मिलता है। क्लियर आपको? उसके बाद स्थानीय सरकारों को ये अच्छे से पता होता है कि कहाँ पर सफाई का प्रबंध करवाना है, कौन सी जगह ज़्यादा गंदी है, पूरे जो अपना गांव है, पूरा अपना नगर है, उसको साफ सुथरा रखने के लिए वो वहाँ पर सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था बनाती है। जल की, स्वच्छ जल सबको मिले, बार बार वहाँ की जो भी जल के भी जो स्रोत हैं उनकी, जैसे तालाब है, टैंक है या कुआ है, उनका निर्माण करवाना, उनकी साफ सफाई करवाना, ये कौन करेगा? वहाँ के निवासी। अब हम अपने घर का हमें पता है, हम कर सकते हैं, पड़ोसी को थोड़ी पता है। तो इसी तरह से बाहर से जो सरकार के व्यक्ति आते हैं, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, उनको क्या पता कि उस गांव में, उस नगर में किस चीज़ की जरूरत है, ये कौन बता सकता है? उसी गांव के रहने। तो उसके लिए क्या बनाई गई? स्थानीय सरकार, जिनको क्या कहा गया है? ग्राम पंचायत। तो सफाई की व्यवस्था, साफ जल का प्रबंध करना, प्राथमिक स्कूल खुलवाना, माध्यमिक स्कूलों की स्थापना करवाना, ये सब किसके अंदर आते हैं? स्थानीय सरकारों के। क्यों? क्योंकि इनको पता है कहाँ पर जगह है, कितने बच्चे किस तरह से कैसे स्कूल में जाएंगे, किस जगह पर स्कूल सही बनेगा, किस जगह पर अस्पताल बनाने चाहिए। तो ये सरकार को सारा बजट भी भेजते हैं और जगह भी बताते हैं, पास करवाते हैं। तो गाँव में जो व्यवस्था बनती है वो तीन तरह से व्यवस्था बनाई जाती है और लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। लोकतंत्र का मतलब है हमारी जो सरकारें हैं इनको मजबूत करने में स्थानीय सरकारों का सहयोग है, क्योंकि देखो ये अपने गांव नगर प्रशासन को संभाल लेती है, उससे ऊपर राज्य सरकार है, अपने राज्य में काम करती है, उससे ऊपर केंद्र सरकार है, तो एक दूसरे को सहयोग देते हुए तीनों सरकारें जब काम करती हैं तो देश का लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या था कि कितनी तरह की सरकारें हैं देश में? तीन तरह की, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें। आज हमने पढ़ा स्थानीय सरकार के बारे में कि समस्याओं को सुलझाने के लिए इनकी जरूरत होती है, इन्हें पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, त्रिपदीय व्यवस्था है ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर जो काम करते हैं ग्राम पंचायत, जिला ब्लॉक स्तर पर करेंगे पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो करेंगे जिला परिषद। ठीक है, आज आपको याद भी यही करना है। और महत्व क्या है? लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना, सफाई, जल और प्राथमिक शिक्षा, और वहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल्स की या किसी भी चीज़ की, उसमें सहयोग देना और लोकतंत्र को मजबूत करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको भेज दूँगी, साथ साथ आप इसको याद कर